चास के जयतारा गांव में लीलू हीरू पटल बावरी के 45वें शहादत दिवस के अवसर पर चंदन कियारी बावरी परिवार ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर शहीदों को याद किया। इस मौके पर परिवार के सदस्य जगदीश बावरी द्वारा शहादत दिवस पर सभी बावरी परिवार के सदस्यों के अलावा बावरी समुदाय एवं विभिन्न संगठनों से अपील करते हुए कहा कि इस नेक काम के लिए चंदन कियारी बावरी परिवार का 7 दिन शहादत दिवस की चली आ गया परम्परा को बरकरार रखने का संकल्प लिया गया। आयोजन होने वाले मेला को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त करने की बात रखी गई। आपको बताते चलें कि 1 नवंबर 1978 को जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ते लड़ते वीरगति की प्राप्त हुई। लीलू हीरू पटल बावरी का शहादत दिवस मौके पर कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन जयतारा गांव में किया जाता है। मौके पर रामदेव बावरी, जगदीश बावरी, चंदन बावरी, विकास बावरी, भागवत बावरी, फुचू बावरी, जितेंद्र बावरी, विधान बावरी, माधव बावरी, विनोद बावरी, प्रदीप बावरी, फनी बावरी, जीवन बावरी, माधव बावरी, रतु बावरी, जवाहर बावरी, प्रदीप बावरी, संतोष बावरी, मुकेश बावरी समेत चंदन कियारी बावरी परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। चंदन कियारी से मुकेश कुमार महता की रिपोर्ट। 1 नवंबर 2022 को हमारे चंदन कियारी बावरी परिवार जयतारा बस्ती में पुण्यात्मा शहीद श्री स्वर्गीय शहीद लीलू हीरू पटल बावरी के शहादत दिवस पर हम लोग चंदन कियारी बावरी परिवार जो है जयतारा बस्ती में उपस्थित हुए और उनके 45वें शहादत दिवस पर इस शहीद दिवस को हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाए। और इस मेला में उपस्थित होने के लिए हम बावरी परिवार के सभी सदस्यों की ओर से जयतारा ग्राम कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लगातार इन्होंने 45 वर्ष तक इस परंपरा को बढ़ाए रखा और मैं इस शहीद दिवस के अवसर पर उनके परिवार को बहुत सांत्वना देता हूं कि उसका परिवार जो है सुख शांति से रहे और हमारा समाज को लीलू हीरू पटल बावरी जैसे पुण्यात्माओं का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे और उनके आशीर्वाद से ही हम बावरी समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।